अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। भारत माता की जय, जय सियाराम। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरा जो सस्पेंशन था, जो निलंबन था, उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, बी एल संतोष जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारी जो राज्य की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे अध्यक्ष श्रीमान किशन रेड्डी जी, हमारे बंडी संजय जी, हमारे लक्ष्मण जी, हमारे मुरलीधर राव जी, बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राया सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। केंद्र को समझाने का काम उन्होंने किया है, केंद्र ने विश्वास किया है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो सस्पेंशन मेरे ऊपर था वो हटा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट, तेलंगाना राज्य की जो कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आई है, उस लिस्ट में भी गोशामिल विधानसभा से ही मुझे टिकट दिया गया। इसके लिए भी मैं पार्टी के अधिकारीगणों को धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही साथ उन तमाम भाई बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा सपोर्ट किया है। सिर्फ तेलंगाना राज्य नहीं, गोशामिल विधानसभा नहीं, पूरे भारत में मेरे समर्थन में सभी लोगों ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। जब मैं जेल में था तभी भी मिला और मैं जेल से बाहर आने के बाद में मिला। उन सभी भाई बंधुओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय सियाराम, भारत माता।